Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े विद्वान थे। उनकी नीतियों के रास्ते पर चलकर चंद्रगुप्त सम्राट बने। उन्होंने अर्थशास्त्र को मजबूत बनाने वाले व्यापार पर भी गहरा अध्ययन किया है। उसे बेहतर बनाने के लिए चाणक्य की नीति में कई नीतियों को समाहित भी किया है। आइए जानते हैं एक सफल व्यापारी के लिए उन्होंने क्या कहा। समाने शोभते प्रीति रागी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेश्व स्त्री दिव्या शोभते गृह। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य कहते हैं कि दोस्ती बराबरी में की जानी चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक व्यापार में वही लोग कामयाबी हासिल करते हैं जो कुशल व्यवहार वाला होने के साथ अच्छा वक्ता हो, यानी जो वाक्पटुता में माहिर हो। चाणक्य कहते हैं कि व्यापार में दोनों ही गुणों का भरपूर इस्तेमाल होता है। व्यवहार और वाक्पटुता की व्यापार में कामयाबी का जरिया है। एक व्यापारी को कभी भी मन में नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। सकारात्मक सोच से कार्य को शुरू करें तो कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन नकारात्मक भाव के कारण अच्छा होने वाला काम भी खराब हो जाता है। एक व्यापारी को हमेशा हर रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उसे संबंधित पूरी जानकारी भी उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा व्यापारी को बेहतर रणनीति के साथ नए बदलावों से भी परिचित होना जरूरी है। व्यक्ति के अंदर सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति हो तो वो तेजी से सफलता को प्राप्त करता है। व्यापार में अकेले कार्य करने से तेजी से कामयाबी नहीं मिलती, इसलिए जिस व्यापारी के पास सहयोगियों का ग्रुप होता है वो तेजी से सफलता की ओर बढ़ता है। लोक व्यवहार में कुशलता के होने से मेहनत में चार चंद लग जाते हैं, इसलिए कुशल व्यापारी को सदा अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इस गुण के बिना सफल होना असंभव है। चाणक्य अपने नीति शास्त्र में कहते हैं कि एक व्यापारी को दुनिया के किसी भी हिस्से में व्यापार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.